उसके बाद है ये पोटाश, ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये है मैग्नीशियम सल्फेट जिसको हम एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगा। ये छोटे से डब्बे में मैंने रखा हुआ है एनपीके 1919-1919 जो पिंक कलर का पाउडर्स है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पिघल जाता है इसलिए मैंने इस तरह के डब्बे में इसको पैक करके रखा है। साथ ही में इसमें लगेगा आपका सरसों की खली, ये है सरसों की खली, ये मैं आपको बहुत कम अमाउंट में मिक्सचर बता रही हूँ, इसमें मैं मिक्स करके आपको दिखाऊंगी कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है। अच्छा, ये जो फर्टिलाइजर्स है रोज़ का, अच्छा ये जो स्पून है, पहले आप देख लीजिए, ये स्पून जो है ये इजीली आइसक्रीम के साथ मिलता है और ये उसका कंटेंट आता है 1 चम्मच होता है 1 ग्राम, तो इस हिसाब से आप मिक्स करिए। तो इसमें जो कंटेंट्स हम डाल रहे हैं ये मल्टीपर्पज़ फर्टिलाइज़र है, आप रोज़ेस में एडिनियम में यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पर कितना यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये देखिए, इसमें 10 स्पून है, मतलब ये 10 ग्राम के अप्रोक्सीमेशन में ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास बड़ा स्पून है, आपके पास 5 ग्राम का स्पून है, तो आप उसको 2 स्पून लीजिए, मेरे पास ये छोटा लेके मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये 10 स्पून्स मतलब 10 ग्राम वो हॉर्न मिल था। अभी ये नीम खली मैं ले रही हूँ, नीम खली भी मैं डालूँगी इसमें 10 स्पून्स मतलब 10 ग्राम, तो ये दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में ही हैं। ये है नीम खली, ये जो फर्टिलाइज़र हम अभी बना रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र्स आप अपने रोज़ प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, क्योंकि उसमें सारे वेराइटीज़ प्रेजेंट है, ये एक मल्टीपर्पज़ है, तो आपको कुछ अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नीम खली भी हम डाल रहे हैं 10 स्पून मतलब 10 ग्राम। जिनका सिंडर में रोज़ेस है वो इस फूड को यही 1 ग्राम के अप्रोक्सीमेशन में डेली यूज़ कर सकते हैं, जिनका मट्टी में गुलाब है वो इस मिक्सचर को 5 से 7 दिन में आप यूज़ कर सकते हैं। ये 5 से 7 दिन ये आपका डिपेंड करता है कि आपका सॉइल मिक्स कैसा है, अगर आपका सॉइल मिक्स ऐसा है कि ऊपर से हम डालें पानी और तुरंत बाहर निकल जाए, मतलब वो सिंडर जैसा ही काम करता है। ये है आपका डीएपी, मैं इसमें 3 स्पून्स डाल रही हूँ, मतलब ये 3 स्पून्स मैंने डाला है 1 ग्राम के स्पून का, 3 स्पून, ये 3 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये ग्रैन्यूल्स है। अब मैं डाल रही हूँ पोटाश, ये थोड़ा सा लेवल करके लेना है, ये थोड़ा सा है ज़्यादा तो इसको थोड़ा सा फेंक के इसको, ये 1 चम्मच मतलब 1 ग्राम, ये 2 ग्राम और ये हो जाएगा 3 ग्राम, ये भी अप्रोक्सीमेटली 3 ग्राम हो गया। अब ये सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये 1 ग्राम, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो आप ज़्यादा सरसों की खली यूज़ मत करिएगा, सरसों की खली का पानी मत यूज़ करिएगा, आपको थोड़ा वेदर देख के यूज़ करना पड़ेगा कि वेदर अगर बहुत बारिश का है तो आप यूज़ ना करें अभी फर्टिलाइज़र्स। हाँ, पर अगर बीच में 2-3 दिन धूप लग रही है कि हाँ बारिश नहीं है, और सब वेदर रिपोर्ट्स चेक करके यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक दिन धूप निकल रही है तो उसके अगले दिन आप यूज़ कर सकते हैं। ये है एप्सम सॉल्ट, इसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, ये मैं यूज़ करूँगी 3 स्पून मतलब 3 ग्राम, ये बहुत अच्छा एक कंटेनेंट है जिसमें
फोटोसिंथेसिस प्लांट का बढ़ाता है, साथ ही थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी देता है प्लांट को, थोड़ा ग्रीनरी भी अच्छे से आएगा प्लांट का। तो ये मिक्स्ड आप बारिश में यूज़ कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा ऑर्गेनिक में अगर आप चले जाएंगे तो थोड़ा वेदर आप देख के डालें। ये ऐसा मल्टीपर्पज़ है जिसको मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। ये सरसों की खली है जो 3 ग्राम हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको पूरे को ले लें और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इतना कंटेनर बनाने के बाद अब आप 8 इंच या 10 इंच में कितना डालेंगे, तो सबसे पहले इसको मिक्स कर लें अच्छे से, और 8 इंच में आप 1 चम्मच ही डालें, मतलब 1 ग्राम। ये एनपीके, एनपीके में 2 स्पून डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी वेट है, ये थोड़ा हाफ स्पून है अप्रोक्सीमेटली, आप मान के चलिए ये भी 3 ग्राम के आसपास ही जा रहा है। अब आप इसको मिक्स कर लें और हर एक प्लांट में 1 ग्राम डालें। अब कितने दिन गैप में डालना है वो आपके प्लांट के ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपका प्लांट का ग्रोथ कैसा है। अगर प्लांट का ग्रोथ अच्छा है, कितना आपका प्लांट इस केमिकल और इनऑर्गेनिक से रिजल्ट्स दिखा रहा है, कितना यूज़ हो पा रहा है, उसमें अच्छे से ग्रोथ हो पा रही है कि नहीं, अगर हो रहा है तो सफिशियंट है 1 चम्मच। आगे ट्यून रहिएगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।